एक मेडिकल स्टोर वहाँ पे ब्लॉग ऑफ लेट्स गो विद ईशा। आज है 4 नवंबर, अभी टाइम हो रहा है रात का 3 और अभी हम लोग फिर से निकल के चले जाने वाले हैं बैंगलोर। ठीक, जो रूट फॉलो करके हम आए थे वो सेम रूट फॉलो करके हम बैंगलोर वापस जा रहे हैं, बट इस टाइम हमारे साथ अभी के मॉम डैड और हमारा प्यारा रस्ट भी जा रहा है। और हम लोग आज मोस्ट प्रॉब्ली वाइज़ैग में जाके रुकने वाले हैं और कल हमारा पूरा डे वाइज़ैग भ्रमण रहेगा बेसिकली। तो आज के वीडियो में आपको दिखेगा कि हम एंड में वाइज़ैग पहुंच के हमने एक होटल ऑलरेडी बुक करके रखा हुआ है, तो हम वहीं पे रहेंगे। वो सब मैं आपको दिखा दूँगी। पर अगर आपको देखना है कि हमारा पहला इतना बड़ा रोड ट्रिप रस्टी के साथ कैसा रहता है तो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। हेलो रस्टू मानो तो ये पीछे वाला, हाँ, हम लोग का जो कार है वो एक्चुअली ड्राइवर है, तो ये 7-सीटर है, तो पीछे वाला जो सीट है वो हमने पूरा हटा दिया है और वहाँ पे ये एक, ये हमने कस्टम मेड करवाया है एक मैट्रेस, तो उसके ऊपर हमने ये एक मैट टाइप का बिछा दिया है ताकि उसको थोड़ा इजी रहे बैठने में। तो तो अभी फिलहाल तो कम्फी है, वो आराम से बैठा हुआ है और आई होप पूरे ट्रिप में आराम से बैठा हुआ ही रहेगा, है ना बाला? ओले बाले को। अभी हम लोग एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं, रस्टी को थोड़ा सा फ्रेश होना था तो अभी इसको घुमा रहे हैं अभी, तो हम लोग भी इसीलिए थोड़ा उतर के वॉक कर ले रहे हैं क्योंकि बैठे बैठे एकदम दर्द हो गया पैर। रस्टी थोड़ा पानी भी पिया खाली हुआ। समझ सब आ रहा है उसको किधर जाना है, फिर भी नाटक। बाला उठे बड़ा।
चलो ना। खाने के लिए कौन वाला जो कोई लो बड़ा वाला दो पीस वाला ना अभी भुवनेश्वर से जस्ट थोड़ा पहले पहाला के पास रुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो पहाला में ऐसे लाइन से मिठाई के दुकान है जहाँ पे आपको अच्छे रसगुल्ले मिल जाते हैं, तो हमने सोचा कि अगर इस रस्ते से जा रहे हैं तो थोड़े रसगुल्ले खा लिए जाए। तो ये रहा रसगुल्ला, और आपने अभी तक देख ही लिया होगा यहाँ का शॉप्स कैसा होता है। मैं यहाँ के शॉप्स का वीडियो भी डाल दूँगी यहाँ पर। ये रसगुल्ले आप हमको पड़े 10 रुपीज़ पर पीस, विच इज़ ओके। और यहाँ का रसगुल्ला थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम कोलकाता का रसगुल्ला। यहाँ के रसगुल्ले में मीठा कम रहता है और थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा रहता है। तो हमें तो ठीक ठाक ही लगा। तो अभी बस ये रसगुल्ला खा के हम लोग भुवनेश्वर की तरफ चले जाएंगे और वहाँ जा के हम अपना लंच करेंगे आज का, और उसके बाद सीधा चले जाएंगे हम वाइज़ाग। ঠান্ডা জল ছাড়া খাবে না, কত তেষ্টা পেয়েছিল। না পিছে খাওয়াস না, আবার বমি করে দেবে। এক্ষুনি কাশলো, না দিস না দিস না, ঠান্ডা জলটা তো আর না খেয়ে চল। বল বল বেশি হয়ে গেছে, বল আর খাওয়াস না। বন্ধ করে দিই अभी। हम रुके हैं भुवनेश्वर में एंड आई एम लुकिंग सो टायर्ड, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम लुकिंग वेरी टायर्ड राइट नाउ। और हम एक होटल आहार नाम के छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं। वहाँ पे हम लोग वेज थाली खाएंगे अभी, क्योंकि कुछ और खाने का मन नहीं है, कुछ सीधा प्लेन ही खाने का मन है। तो वो वेज थाली हम खाएंगे, हम दो बार में खा के जाएंगे क्योंकि रस्टी है, तो रस्टी अभी कार में है। अभी के मॉम डैड अभी रस्टी के साथ कार में है, एक बार हम खा के चले जाए फिर वो लोग आके खा के फिर जाएंगे। और होटल भी डिसेंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है बट इट्स ओके फाइन। और खाने का टेस्ट एक बार खाना आने के बाद मैं आपको खाना दिखा दूँगी कैसा है, और टेस्ट के बारे में भी बता दूँगी कैसा है यहाँ का टेस्ट एंड ऑल। बट ऑल इन ऑल वन कैन हैव लंच ओवर हियर, इट्स अ डिसेंट रेस्टोरेंट आई वुड से। थाली भी काफ़ी डिसेंट है, दाल सब्जी चावल भाजी सलाद सब दिया है इन्होंने, और देख के तो लग रहा है टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होगा। हो गया हमारा लंच कंप्लीट, और ये वो होटल था जहाँ पर हमने अपना लंच किया। अभी के मॉम डैड गए अंदर लंच करने, और ये जो होटल है ये एकदम ही हाईवे के पास है, बुरा हाईवे, और ठीक हाईवे के पास ही ये होटल आहार है। आप हाईवे से सर्विस रोड पकड़ के थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको ये होटल आहार मिल जाएगा। इसके पास एक और होटल है, होटल खुशी, और खाना काफ़ी टेस्टी था, मतलब इट वॉज़ गुड, एकदम घर का खाना जैसा था। और इसके बाद, और अभी थोड़ा तब तक रस्टी को निकाला है, रस्टी थोड़ा सा वॉक करके आ रहा है,
और इसके बाद हम सीधा निकल जाएंगे पेट्रोल पंप के तरफ। वहाँ पे अभी शायद फुल टैंक करवाएगा और उसके बाद फिर हम वाइजा के तरफ फिर से निकल पड़ेंगे। और अभी का जो UTA दिखा रहा है वो 7 इन द इवनिंग दिखा रहा है कि 7 इन द इवनिंग विल रीच वाइजैग। और बीच में थोड़ा रुकना भी हो रहा है क्योंकि रस्टी भी है, कभी कभार किसी को वॉशरूम जाना होता है या फिर खाने पीने के लिए रुकना हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हो जा रहा है। बट इट्स ओके, आई थिंक वी विल रीच बाई 7 और एट मैक्स 7:30। सो दैट्स अ प्लान फॉर नाउ। और मैं आपसे नेक्स्ट मिलूँगी जहाँ पर हम हॉल्ट करेंगे वहाँ पर। तब तक के लिए आप लोग देखिए रेस्टोरी को। रेस्टो सीट करा तो एक तो सीट हो पाला बेस्ट हो चुका ওখানে সিট হোক সিট হোক সিট হোক না ওরম করে না সিট হোক হ্যাঁ বালু वो अंकल आंटी गए अंदर खाने, इसीलिए वो परेशान हो रहा था। एक नहीं छोड़ जा वो ऊपर कानू पड़े ना बालू बालू सिटो रस्टी रस्टी सिट खड़ा दिया ये सिट। अरे हाँ इटा की रस्टी इटा की खोर चुत तुम्हीं कोई नहीं, अब क्या करेगा वो, वो भी परेशान हो रहा है वाला तो वो एक मेडिकल स्टोर वहाँ पे यूज़ कर रहा है रस्टी। এই যে শেখান কে দেবে, শেখান কে দেবে, কে দেবে শেখান, ভাও ভি নেই দেগা রাষ্টি। এই দে এই দে রাষ্টি বল খেলবো, শেখান কে দেবে শেখান। ওলে বালা ও দেখতে পাচ্ছে না কি ওরে, না না অপেক্ষায় আছে কখন দেখা দেবে ওরে। শেখান কে দেবে, কে দেবে শেখান, और हम पहुंच गए श्रीकाकुलम। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए रुके थे, यहाँ पे थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह गए और रस्टी उतर के थोड़ा सा वॉक कर लिया। और ये जगह काफ़ी प्रिटी है, मैं यहाँ का एक पैनोरमिक व्यू भी आपको दिखाऊंगी। दिस इज़ सो प्रिटी, ये पीछे जो पहाड़ है उसके आसपास एकदम क्लाउड्स छाया हुआ है, सो इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। और ये रहा हमारा रस्टी, रस्टुड़ी रस्टुड़ी बोलू बोलू गो बोलू। तो अभी ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ऑफिस था, यहाँ से वाइजैग और आई थिंक 200 किलोमीटर्स है। तो अब सीधा वो जो 200 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है वो हम एक ही बार में करेंगे, डायरेक्ट अपने होटल जाएंगे। और आज जाके मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आसपास शायद एक बार निकले फॉर डिनर, उसके बाद तो फिर विल कॉल इट अ डे बिकॉज़ कल हमें फिर वाइजैग घूमना है।
तो अभी जब तक हम लोग वाइजैक पहुँचते हैं आप इन्जॉय कीजिए यहाँ का पैनोरामिक व्यू। और कल हम 7 बजे पहुंच गए थे वाइजैग और फील लाइक होम एक होमस्टे है जहां पे आके हम रुके थे। रूम्स काफ़ी अच्छे हैं, ये एक फ्लैट टाइप का है, इसमें 2 रूम्स है और एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। रस्टी यहां पे आने के बाद ही थोड़ा सा और बिहेव कर रहा था, उठ नहीं रहा था, बस एक ही जगह बैठे रह रहा था, तो हम थोड़ा सा डर गए थे कि पता नहीं क्या हो गया इसको। फिर धीरे 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 थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, अभी तो ठीक ही है। रूम्स में जा नहीं रहा था, एकदम बाहर ही बैठा हुआ था और यहाँ पे ना पूरा टाइल्स लगा हुआ है तो इसका पैर भी स्लिप कर रहा था। हम थोड़ा सा डर गए थे कि पता नहीं जलने की वजह से तो नहीं हुआ है, इसका हाथ पैर कांप रहा था। तो फिर हमें समझ आया कि जर्नी की वजह से नहीं, एक्चुअली ये जब भी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक जाता है तब भी इसके ऐसे हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो मुझे ये डाउट हुआ कि इसके हाथ पैर ऐसे कांप रहे तो शायद इसको ऐसे डर लग रहा है, इसको यहाँ पे दूसरे डॉग्स का स्मेल मिल रहा है और यहाँ पे वो टाइल्स है जैसा क्लिनिक में रहता है, तो शायद वो उसके साथ रिलेट करके उसको लग रहा था कि हम उसको क्लिनिक लेके आए हैं, क्योंकि वो गाड़ी में चढ़ता है तो मोस्टली वो क्लिनिक से जाता है। तो फिर धीरे धीरे उसका डर गया, वो थोड़ा सा खाया, थोड़ा चिकन खाया, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा फील बेटर किया। फिर उसके बाद उसको हम सक्सेसफुली एक रूम में घुसा पाए। रूम के अंदर जाके वो अपने आप को ये जो बेड होता है बेड के अंदर सेटल कर लिया। फिर धीरे धीरे जब उसका डर कटा फिर वो अपने आप ही रात को निकल के आके सो गया था। अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है। कल कैसा डर लगा था समझ नहीं आ रहा था सच में बहुत, क्योंकि ये लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं ना तो इनको कुछ दिक्कत होता है, तो क्या हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और ये रूम, ये पूरा फ्लैट भी मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ। दिस इज़ ओके, अगर आप कभी पेट्स लेके आते हो यहाँ पे तो इट इज़ अ गुड स्पेस, काफ़ी स्पेशियस है और इट इज़ गुड, क्लीन भी है। ये एक रूम, अटैच बाथरूम। फिर इधर से निकल के ये है एंट्रेंस मेन डोर। फिर इधर से निकल के यहाँ पे आपको मिलेगा टीवी, सीटिंग एरिया, डाइनिंग टेबल। और इधर है एक और रूम,
ये रूम थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे भी इन्होंने अटैच बाथरूम, और इस रूम में एक बालकनी भी है। ये हमारे रस्टी बाबू का सोने का जगह, और एक किचन भी प्रोवाइड किया उन्होंने। ये हमारा पुट्टू रस्टी।